मित्रों, आज हम केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? एक तो आलू चाहिए और दूसरा एक तरह का ये यैम है, इसको टारो रूट भी कहते हैं, इसको एक अरबी भी कहते हैं और इसको बहुत, इसके बहुत से व्यंजन बनते हैं, सब्जी बनती है। और बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का एक बैंगनी रंग का घोल है। तो इसके लिए बहुत ही सामान्य मटेरियल चाहिए, एक आलू, एक कोलोकोशिया या टारो रूट, या एक तरह का यैम है वो चाहिए। काटो तो सफ़ेद होता है, इसमें भी बहुत सा स्टार्च होता है और इसको कई सब्जियों में डाला जाता है। हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं इस यैम का और फिर इसको पानी में 10 मिनट तक उबालते हैं। उबालने के बाद में जो एक्सट्रैक्ट है वो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट एक बीकर में डाल देते हैं और यही प्रक्रिया हम आलू के साथ में भी दोहराते हैं। आलू को काट करके उसको 10 मिनट तक उबालते हैं और उबालने के बाद में उसके एक्सट्रैक्ट को भी एक दूसरे बीकर में डाल देते हैं। तब ये देखिए, अब हमारे पास में टारो रूट और आलू, इन दोनों के को उबालने के बाद में इनके एक्सट्रैक्ट हैं। दाएं हाथ को टारो रूट का एक्सट्रैक्ट है और बाएं हाथ का जो बीकर है उसमें आलू को 10 मिनट उबालने के बाद में उसका एक्सट्रैक्ट है। अब इन दोनों घोलों के अंदर जो बैंगनी पोटेशियम परमैंगनेट है इसको डालेंगे और उसके प्रभाव को देखेंगे कि दोनों पर क्या होता है। तो दाएं हाथ है टारो रूट का एक्सट्रैक्ट, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला और अब आलू के एक्सट्रैक्ट में डाला। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आलू का जो एक्सट्रैक्ट है वो एकदम पारदर्शी हो जाता है, यानी एकदम फेड हो जाता है, और जबकि जो टारो रूट का एक्सट्रैक्ट है वो वैसे ही बैंगनी बना रहता है, यानी उसके अंदर अभी भी पोटेशियम परमैंगनेट है। पर आलू जो है, आलू का एक्सट्रैक्ट ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक बहुत ही सुंदर सटीक उदाहरण है।